हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं चटपटी मसालेदार क्रिस्पी भरवा भिंडी। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमने आधा किलो भिंडी ली है, इसे धो के दोनों कोने काट कर बीच में चीरा लगाना है इस तरह से। ऐसे ही हमने आधा किलो भिंडी को काट दिया है। जो बड़ी भिंडी थी उसके हमने दो टुकड़े किए हैं। अब हमने 30 कलियां लहसुन की ली हैं जिसे हमने छील लिया है और इसे हम मिक्सर में ग्राइंड करेंगे। ये काफ़ी मोटा ग्राइंड हुआ है इसलिए अब हम इसमें 1 से 1.5 चम्मच पानी डालेंगे। हमें मसाला थोड़ा सा पतला चाहिए, नहीं तो वो भिंडी से बाहर आ जाएगा। अभी एकदम सही ग्राइंड हुई है, इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। हम इसके अंदर 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 3/4 टीस्पून ड्राई मैंगो पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 3 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर और 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर ऐड करेंगे। इसमें हम 1 चम्मच तेल भी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम भिंडी के बीच में 1 चुटकी मसाला इस तरह से भर के दबा देंगे। हमें बहुत ज़्यादा मसाला नहीं भरना है, नहीं तो फ्राई करते समय वो बाहर आएगा और कढ़ाई में चिपक कर काला हो जाएगा। जितना हमने मसाला बनाया है उसका 1/4 हमें साइड में रखना है जिसे हम बाद में यूज़ करेंगे। अब हमने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लिया है और तेल के गर्म होने पर हम इसमें भिंडियाँ डाल देंगे और इसे 2 मिनट तक फुल फ्लेम पर पकाएंगे ताकि ये थोड़ी सी कड़क हो जाएं। अब हम इसे स्लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे और ढककर पकाएंगे ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और बीच बीच में इसे घुमाते रहेंगे। देखिए अब हमारी भिंडी एकदम सॉफ्ट हो चुकी है, अच्छे से सिज चुकी है। अब हम इसमें थोड़ा सा तेल और डालेंगे और इसे फुल फ्लेम पर चलाते रहेंगे जब तक ये थोड़ी अच्छी क्रिस्पी ना हो जाए। अब ये क्रिस्पी हो चुकी हैं, अब इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो हम निकाल लेंगे। अब जो हमने मसाला बचाया था वो हम इसमें डालेंगे और 3 टीस्पून हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे ताकि इसमें न नमक होता है न मिर्ची होती है पर इसका टेक्सचर थोड़ा मसालेदार लगेगा और इसमें इसका अच्छा रूप देने के लिए हम कश्मीरी लाल डालेंगे जिससे ये काफ़ी मसालेदार और चटपटी लगेंगी। इसकी पूर्ति का मसाला तो हम ऑलरेडी डाल ही चुके हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर स्लो फ्लेम पर ढक देंगे ताकि जो हमने मसाला भी डाला है वो अच्छे से सिज जाए। अब हमारी क्रिस्पी भरवा भिंडी एकदम रेडी है। इसे हम वाइट चावल या चपाती जिसके साथ चाहे सर्व कर सकते हैं। गाइस, कैसी लगी आपको रेसिपी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए और अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।